क्यों बिहार विकसित नहीं बन पा रहा है, और इसको लेकर के हम एक्सपर्ट से भी जुड़ेंगे और जरा उनसे जानने की कोशिश करेंगे, हम अर्थशास्त्री से जुड़ेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विकास विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्री हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानने की आज हम कोशिश करेंगे, दरअसल नीति आयोग के जो रिपोर्ट आए हैं, नीति आयोग के जो आज रिपोर्ट आए हैं, गुरुवार को रिपोर्ट आए हैं, लेकिन अब उस पर राजनीति हो रही है। हम राजनीति से इतर होकर के आपसे सबसे पहले जवाब जानना चाहेंगे। सर, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, बिहार की स्थिति में देखा जाए तो? जी, यह रिपोर्ट वाकई में बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत न्यूनतम स्कोरिंग है। बिल्कुल, बिहार के लिए बहुत न्यूनतम स्कोरिंग हुआ है और बिहार बिल्कुल नीचे निचले पायदान पर एसडीजी का जो इंडेक्स आया है, बिल्कुल वो नीति आयोग के रिपोर्ट में एसडीजी इंडेक्स में बहुत निचले पायदान पे है। एक इसके साथ यह भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जो भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे हिंदी भाषी प्रदेश, हिंदी पट्टी प्रदेश जो है बहुत पिछड़े हुए दिखते हैं, जबकि राजनीति में बहुत आगे दिखते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा बिहार का एसडीजी इंडेक्स बहुत नीचे आया है, लेकिन उसमें दो या तीन जो गोल्स हैं, खास करके 16 गोल्स में से दो या तीन गोल जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें 91 अंक मिले हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तीन जो इंडिकेटर्स हैं, तीन गोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे परफॉर्मेंस में बहुत निम्नतम जो है, बहुत कम स्कोरिंग हुई है बिहार की। और दूसरी तरफ देखें तो केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु बिल्कुल टॉप पर आए हैं। तो इस बीच जो है बिहार के लिए कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की बात है। अब वैसे तो ये पूरा का पूरा जो एसडीजी गोल नीति आयोग के द्वारा जो पहले से प्रस्तावित है, कुल मिलाकर के ये इंट्रोस्पेक्शन पर ही आधारित है कि बिहार के जितने राज्य हैं वह पहले से जो दिए गए हैं गोल उस पर कितना परफॉर्मेंस करता है। बिल्कुल, साथ ही यह इसलिए भी एसडीजी गोल की बात होती है ताकि यह पता लगे कि जो बिहार, भारत के जो राज्य हैं आपस में किस तरीके से कंपटीशन करके आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अब अगर पार्टिकुलरली बिहार की बात की जाए तो बिहार की जो औसत इनकम है वो बिल्कुल निम्नतम है। बिल्कुल, आज के समय में भी लगभग 32,000 रुपए जो है पर कैपिटा इनकम बिहार की है। बिल्कुल, और यह पूरे भारत में सबसे निम्नतम पर कैपिटा इनकम बिहार की है, इसलिए कि बिहार में आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए था वो हमारे यहाँ नहीं हो पाया, और खास करके हेल्थ और एजुकेशन में हम पिछड़े रह गए। अगर एजुकेशन पे ठीक से ध्यान दिया जाता, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मैं भी कई बार बिहार के कई स्कूलों में हमने मॉनिटरिंग किया है और देखा है कि औसतन बिहार के जो सरकारी स्कूल से उसमें औसतन 20% 27-28% ही बच्चे आते हैं। बिल्कुल, हाई स्कूल में केवल 20% बच्चे आते हैं, और वो 20% बच्चे आते हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। जी, तो क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बातें की है, इंडस्ट्रियल कमियां हैं और इसके कारण जो आय है उस आय के कारण विकास कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, तो फिर जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की बात की जाती है तो शायद इससे आपको लगता है कि बिहार बेहतर कुछ कर सकता है? जी, अवश्य बिहार जैसे राज्य को स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एसडीजी गोल में हम बिल्कुल निम्नतम स्तर पर है तो कहीं ना कहीं उसके जो इंडिकेटर्स है वो तो यही आगाह कर रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है। उस इंडिकेटर्स में जो लिया गया वो हेल्थ है, एजुकेशन है, इक्वालिटी को लेकर के बहुत सारे मापदंड लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बिहार के पास स्पेशल पैकेज हो, हमारे पास संसाधन हो बिहार के पास, तो जाहिर हमें एसडीजी का इंडेक्स जो आ रहा है उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस इंडेक्स को देखते हुए कहीं ना कहीं नीति आयोग को बिहार के लिए अच्छे पैकेज की घोषणा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है। बिल्कुल, अच्छे पैकेज की घोषणा करना चाहिए, चलिए आपकी बातों का मानते हैं, अच्छे पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन घोषणा कौन करेगा जब राजनीति बिहार में खूब हो रही है, राजनीति से कोई पीछे नहीं है,
और अगर राजनीति करने वाले ही इस बातों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप विकास जी हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जरा राजनीति मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं और फिर आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को। सबसे पहले बात, जब ये रिपोर्ट आया तो अब राजनीति सियासत जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार जो है वो अपना बचाव करती हुई दिख रही है और उसकी फजीहत तो होनी है, लेकिन विपक्ष वाला मानने वाला कहां था। विपक्ष की भी अब राजनीति तेज हो गई है और रिपोर्ट आते ही, दरअसल ये जो रिपोर्ट था ये 36 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स है जो 2020-21 के लिए जारी किया गया है। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार राज्य का प्रदर्शन लगातार तीसरे साल भी सबसे खराब रहा, तो विपक्ष है अब सरकार को घेरने के मूड में है। और एक और मुद्दा मिल गया है, नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने ट्वीट किया, हालांकि ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में किया और उसका हम आपको हिंदी वर्जन बताते हैं। दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है साफ तौर पर, सबसे खराब प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, डबल पावर डबल इंजन सरकार के ड्राइवर। केरल ने बीजेपी को 0 सीट दी और उसके टॉप रैंक बरकरार रखी है। बिहार ने 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों को दी और सबसे खराब प्रदर्शन कर दिया, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तेजस्वी ने इसके साथ और भी कई सारे इसको लेकर के ट्वीट किए हैं, लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया तो भला अब जेल से बाहर आने के बाद भला लालू यादव कैसे चुप हो सकते हैं। और लालू यादव ने भी लगातार नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की और वो ट्विटर के माध्यम से नीतीश सरकार को घेरते नजर आए। इन्होंने सबसे पहले लालू यादव ने जो ट्वीट किया उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर जिसकी बात की जा रही थी कि 15 साल बनाम 15 साल, जो चिल्लाने वाले थे 15 साल में कुछ नहीं हुआ, हम 15 साल में विकास करेंगे, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर उस 15 साल पर चिल्लाने वाले लोगों को, 15 साल इनके भी पूरे हुए। देखिए जो जंगल राज का राज अलापते थे वो सब आज बिल में घुसे हुए हैं। बिल्कुल, नीति आयोग का ये तीसरी बार दिखा दिया कि बिहार सुसज्जी राज्य है, विकास के पैमाने पर अंतिम से फर्स्ट किया। बिल्कुल ठीक ही लालू प्रसाद जी ने कहा है कि नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 16 वर्षों की डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन फेल है और ये बिहार की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। बिल्कुल, बेरोजगारी में नंबर वन, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, लॉ एंड ऑर्डर चौपट, आज भी फतवा में देखिए गोली मार दिया दिन दहाड़े। बिल्कुल, ये बता रहा है कि इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार को बहुत धोखा दे दिया और इसी बरसात में इस सरकार को विदाई, हम लोग विदाई समारोह करेंगे। चलिए विदाई समारोह करेंगे, लेकिन केसी त्यागी कहते हैं कि बिहार में विकास पहले से ज्यादा हुआ है, पहले जो उनको जो सरकार मिली थी उससे बेहतर वो विकास कर रहे हैं। तो केसी त्यागी जी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी नीति आयोग का अध्यक्ष बना दें, वो बिहार को टॉप करा देंगे। अगर केसी त्यागी जी बिल्कुल ये बयान दे रहे हैं, ये पार्टी की तरफ से दे रहे हैं ना। बिल्कुल, नीति आयोग तो हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजद का आयोग नहीं है, ये लालू प्रसाद जी नहीं बोल रहे, तेजस्वी यादव ने सुन लिया बात। बिल्कुल, ये नीति आयोग जो डबल इंजन की सरकार है, जो नीति आयोग जिसका सरकार है वो भी यहाँ सरकार में है। बिल्कुल, अब इसके बाद भी ये जगह दिखा रहा है कि फिसद्दी है बिहार। अब कोई अगर बेशर्म की तरह कुछ बोले, कुछ दलील दे, अब उस पर क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये जो नीति आयोग है वो किसी की भी नहीं है, वो आपकी नहीं है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। सर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बोलते हैं कि बिहार को जिस पैमाने पर मापा गया है वो पैमाना ही गलत था। देखिए बिहार को किस पैमाने पर नापा गया, नहीं नापा गया, बिल्कुल अब ये कोई बहस का विषय नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहस का विषय ये हो सकता है कि 16 वर्षों में लगातार 3 बार नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों है। बिल्कुल, इसका
सीधा सपाट अंतर देश सत्ताधारी दल के लोग। लेकिन कुछ पॉइंटों में भी बेहतर प्रदर्शन है सर, कुछ पॉइंटों में बेहतर प्रदर्शन पे है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बेहतर प्रदर्शन रहा है, हालांकि कुल 16 पॉइंट पर जांच हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट, एक दो ऐसे पॉइंट है जिसमें बिहार बेहतर रहा है। देखिए कुछ पॉइंट में अगर बेहतर रहा है तो उसमें सरकार का क्या योगदान है, बिहार वासियों का ना योगदान है? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोरोना में अगर मौत कम हो रहा है तो बिहार के लोगों का इम्यूनिटी बिल्कुल, उनकी सचेता की तैयारी जरूरी है। लेकिन आपसे एक आखिरी सवाल चाहेंगे सर, नीति आयोग में ये पता चल गया कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, अब क्या करेगी विपक्ष? मजबूत है आप भी? विपक्ष एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है, सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे साथ राजद के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा कि सरकार की नाकामी को अब वो उजागर करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से अब सरकार की तैयारी और उस पर जो ढोल पीटा जा रहा था उस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी छोड़ा नहीं और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की जो बिहार नाशक मेहनत ने नीतीश ने बिहार को नीचे से टॉप करा दिया। नीतीश कुमार साफ तौर पर जो तैयारी कर रही है, ट्वीट देखिए, आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर अब लगातार जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है। बिल्कुल, और इस खबर पर हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो रिपोर्ट आए हैं, इस रिपोर्ट के बाद अब विपक्ष और खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने बधाई दी है, 16 वर्षों में आपने बिहार को विनाशक बना दिया है, कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, विनाशक कहने के लिए लालू जी इतना सुन चुके हैं ना, क्योंकि विनाशक वो खुद रहे हैं। 15 सालों में जैसी सरकार चलाई है उन्होंने, वो सारे सर कब तक 15 साल रोएंगे सर? अब आप तो 16 साल काम कर लिए, कब रिपोर्ट जो आए है वो रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? परिस्थितियों को कितना बदल दिए, इसको भी आकलन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जो पटरी पे उतर गई थी उसको पटरी पे लाने वाले इकलौते मुख्यमंत्री अभी के दौर में है। बिल्कुल, इतना सशक्त रूप से बिहार को वहां लेके चले गए हैं जहाँ लालू जी की सोच भी नहीं जा सकती है। उनकी सोच बदली है तो पुराने सोच लेकर के जदयू पे हमला करना उचित नहीं है। जदयू अपना काम कर रहा है, बिहार को जिस जगह जिस मुकाम पर पहुंचाया गया है ये कब 3 साल की रिपोर्ट ही बता रहे हैं कि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए, चुनिंदा परिवर्तन कुछ चीजें बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी करना होगा। बिल्कुल, भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है सर, चलिए छोड़िए, क्या कारण हो सकता है कि बिहार इतनी तेजी से बाकी जो पैमाने हैं नीति आयोग के उस पर सटीक नहीं बैठ रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से एक मांग करते आ रहे हैं। बिल्कुल, कि विशेष राज्य का दर्जा भी एक मांग रहा है हमारे नेता ने इस बात को पुरजोर तरीके। डबल इंजन किस काम का सर? डबल इंजन दोनों तरफ तो आप ही के इंजन है, क्यों नहीं मिल रहा? डबल इंजन की बात यहाँ नहीं है। बिल्कुल, जब हम किसी चीज को लेकर के चलते तो हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने किससे मांगना है, किससे उचित। भाई, केंद्र से मिलना है, केंद्र में जिसकी भी सरकार रही है हम उससे मांगे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सरकार जिसकी रही है उससे आपने मांगा है और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको मिलनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उस पर अब लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है, और एसडीजी इंडेक्स के मुताबिक बिहार सबसे फिसड्डी राज्य बन गया, इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो क्या कुछ था, खुद सुनिए आप। लेकर जो सूचकांक है उसका, किस राज्य ने कैसी प्रगति की है, बिहार एक बार फिर से नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स के मुताबिक सबसे फिसड्डी राज्य के रूप में सामने आया है। सबसे नीचे से पहला स्थान है बिहार को, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अपने सरकार के बजटीय आकार के बढ़ने और विकास
का ढोल पीटने विकास को लेकर जो सूची। तो आपने जेडीयू प्रवक्ता को सुना ही, आपने कांग्रेस को भी सुना, इसके साथ साथ आपने राजद को सुना, लेकिन बीजेपी को अब इस रिपोर्ट पर ही भरोसा नहीं है। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा बिहार विकास को लेकर के जो जारी रिपोर्ट आए हैं, उस पर बीजेपी विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है और जो जांच किया है वो पैमाना भी गलत था। पता नहीं किस तरह से नीति आयोग सर्वे किया है और या कागजी ज्यादा है। हमको लगता है कि बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है, नीतीश जी के शासन काल में जो विकास हुआ है वो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज कोई रोड बचा हुआ नहीं है, चाहे ग्रामीण रोड हो या स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, पुल पुलिया कितना बड़ा, गंगा ब्रिज पर देखिए वो दीघा में पुल बन गया, कोयलवर में पुल बन गया। तो इस तरह से और नीतीश जी दिन भर मेहनत करके काम करते हैं, यहाँ एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, कहीं नीति आयोग में कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हो या धरातल पर नहीं सर्वे हुआ हो, कागजी सर्वे हुआ हो, ये हुआ है इस चलते। नहीं तो बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में अच्छा खासा विकास, आप लोग तो खुद घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, सब जगह अच्छा खासा विकास। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से बीजेपी का कहना है कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को धरातल पर नहीं जांचा गया। हमारे साथ अर्थशास्त्री विकास जी जुड़े हुए, हम सीधे विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी से चाहेंगे, विकास जी से आखिरी कमेंट होगा ये हमारा, क्या लगता है विकास जी, जिस तरीके से जो हम चर्चा कर रहे हैं लगातार और आपने कई लोगों को सुना भी, नेताओं को भी आपने सुना, क्या लगता है इन सबके बीच में विकास जो है वो बिहार के कदम को पार करेगी, यानी कि बिहार के जो चौखट है उसको छुएगी? जी, इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि बिहार को रिपोर्ट को ठीक से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ इंडिकेटर्स जिस पे बहुत खराब परफॉर्मेंस है उस पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि जो इंडिकेटर्स जिस पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है उस पर कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए। कुछ अच्छे परफॉर्मेंस वाले भी इंडिकेटर्स हैं जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे एक अच्छा काम है बिहार में, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पर ठीक ठाक अच्छा इंडेक्स है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पर अच्छा इंडेक्स है। लेकिन जो चार महत्वपूर्ण इंडिकेटर हैं, चार महत्वपूर्ण इंडिकेटर जिसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है, वो जो 17 गोल रहे हैं उसमें पहला जो है वो पावर्टी को लेकर के है कि पावर्टी में कमी नहीं आई, बिहार में एजुकेशन पर काम नहीं हो पाया, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है यह रिपोर्ट की, क्वालिटी एजुकेशन पे अच्छा काम नहीं हो पाया, इंडस्ट्री पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और क्लाइमेट एक्शन पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो ये चार बिल्कुल कम परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर्स हमारे रहे हैं, गोल रहे हैं। तो जो कम परफॉर्मेंस वाले हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, जो कम परफॉर्मेंस है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बजाब के सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो स्वास्थ्य और शिक्षा होनी चाहिए और इसी मामले में बिहार बेहतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे साथ अर्थशास्त्री।